19 से 20 जून तक बाल श्रम रोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बाल श्रम विभाग की टीम जगह जगह जाकर छापेमारी कर रही है और दुकानों पर काम करने वाले नाबालिग बच्चों को तलाश कर रही है और दुकानदारों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। वहीं मुरादाबाद में बाल श्रम विभाग की टीम ने टीपी नगर और कोहिनूर क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की, जहां से टीम ने 6 बच्चों का रेस्क्यू किया है। इनमें से ज्यादातर बच्चे ट्रक और कार की वर्कशॉप पर काम करते हुए मिले, जिनका बाल श्रम विभाग की टीम ने मेडिकल कराने के बाद उन्हें चाइल्ड लाइन भेज दिया। के दिशा निर्देश हैं और 12 से 20 जून तक बाल श्रम रोको अभियान चलाया जा रहा है पूरे। देखिए, अभी तो इन बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत, श्रम कानून के अंतर्गत तो अवरुद्ध करा गया है और अभी तो FIR हमने नहीं कराई है इन पर, और सरकार की जो भी योजनाओं का लाभ है वो इन बच्चों को दिलाया जाएगा। कितने बच्चे टोटल गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार नहीं हुए हैं, रेस्क्यू किए गए हैं। 6 बच्चे हैं।